दोस्तों आप जानते होंगे कि रिसेंटली जलदूत नाम का एक नया ऐप लॉन्च हुआ है और इस ऐप को हर एक ग्राम पंचायत में यूज़ करना ही होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये ऐप क्या है, कौन इसे चलाएगा इस ऐप को, और इस ऐप के द्वारा हमें क्या करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम देख लेंगे कि इस ऐप के बारे में जो नोटिफिकेशन आया है, गाइडलाइंस आया है, उस गाइडलाइंस को हम देख लेंगे। इसलिए सबसे पहले हम energia.nic.in वेबसाइट पर जाएंगे, मतलब कि मनरेगा की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे। यहाँ पे इस वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे हमें नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए व्हाट्स न्यू, ये नया क्या है इस वेबसाइट में, इस सेक्शन में आप देख सकते हैं। पहला है जलदूत ऐप रिलीज़ फिल्म, मतलब कि ये वीडियो आपको दिखा गया, इस पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है जलदूत ऐप रिलीज़ ब्राउचर, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में अवेलेबल है, तो आप चाहे तो हिंदी भी डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सबके लिए इंग्लिश में डाउनलोड करके दिखाऊँगा। तो हम सबसे पहले इस ऑफिशियल गाइडलाइंस को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करते इस ऑफिशियल गाइडलाइंस को हम ओपन करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये आया है 2022 को, जलदूत मोबाइल ऐप ई ब्रोचर, मतलब कि इसमें सारे डिटेल्स आपको मिलेगा। जलदूत मोबाइल ऐप के बारे में सारे डिटेल्स आपको इस एक PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज हैव जॉइंटली डेवलप जलदूत मोबाइल ऐप टू कैप्चर द वाटर लेवल ऑफ सिलेक्टेड 2 or 3 ओपन वेल्स इन विलेजेस अक्रॉस द कंट्री, मतलब कि सारे देश के हर एक ग्राम पंचायत में, हर एक गांव में 2 से 3 ओपन वेल, यानी कि आम बात में जो हम बोलते हैं कि कुआं, 2 से 3 कुएं में, कुएं का वाटर लेवल हम साल के 2 बार हम चेक करेंगे। ग्राम रोजगार सहायक यानी कि GRS विल मेजर द वाटर लेवल एंड डॉक्यूमेंट द सेम एट सेंट्रल सर्वर यूजिंग मोबाइल ऐप, जलदूत मोबाइल ऐप, मतलब कि ग्राम रोजगार सहायक यानी कि जो GRS है, मनरेगा के काम में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो GRS अभी जलदूत ऐप को ऑपरेट करेंगे और गांव का पानी का स्तर मेज़र करेंगे और साथ ही जलदूत ऐप में उस मेज़र को एंट्री भी करेंगे। यहाँ पे उसके बाद आप देख सकते हैं कि वाटर बजटिंग, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं आपकी बैकग्राउंड क्या है, मतलब कि यहाँ पे किस वजह से इस ऐप को लाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी हमारा देश के सबसे मेन प्रायोरिटी है, इसके रिगार्डिंग हमें जल संरक्षण से जुड़े काफ़ी सारे काम हमने किए हैं, जैसे कि वाटर सेड डेवलपमेंट, प्लांटेशन, वाटर बॉडी डेवलपमेंट, रेनोवेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कई तरह के इनोवेटिव काम हमने किया है जल संरक्षण से जुड़े। लेकिन फिर भी हम जितना चाहते थे उतना काम नहीं हो पाया है, ठीक से पानी का स्तर जो है वो अभी तक नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए अभी हमें डेली रेगुलर इंटरवल में हमें पानी का जल स्तर मेज़र करना होगा, जो कि काफ़ी अहम बात है। ग्राम एरिया में पानी का जो कठिनाई है उसको मिटाने के लिए पानी का स्तर रेगुलर इंटरवल में नापना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो चुका है, तो इसके लिए अभी ग्राउंड वाटर लेवल को नापने के लिए अभी जलदूत ऐप को लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, रेगुलर इंटरवल में हर एक गांव का कुछ एक फिक्स्ड पॉइंट रहेगा, उस पॉइंट का पानी का स्तर कितना ऊपर आ रहा है या फिर पानी का स्तर कितना नीचे जा रहा है ये मॉनिटर कर सकेंगे, उस हिसाब से हमें उस इलाके का डेवलपमेंट का काम GPDP या फिर मनरेगा के एक्शन प्लान में हमें इंक्लूड करना होगा, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये ऐप। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन ये ऐप को चलाएंगे, किसका, यानी कि ग्राम पंचायत में कौन जलदूत ऐप को ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी द एग्जिस्टिंग ग्राम रोजगार सहायक यानी कि GRS एम्प्लॉयड इन महात्मा गांधी नरेगा वर्क इन है ग्राम पंचायत, मतलब कि मनरेगा के जो GRS है वही एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल सकता है जलदूत के हिसाब से, जो कि पानी का स्तर एक सिलेक्टेड विलेज का पानी का स्तर को मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ रेगुलर GRS
फौराजी पी, यानी कि अगर कोई ग्राम पंचायत में रेगुलर जीआरएस नहीं होते हैं तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और पंचायत सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ दैट जीपी विल बी जल्दूत फॉर सच जीपी, यानी कि जीआरएस अगर रेगुलर जीआरएस अगर नहीं रहते हैं किसी ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी इंचार्ज वो जल्दूत हिसाब से काम करेंगे, यानी कि वो पानी का स्तर मेज़र करेंगे। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि क्या करना होगा। यहाँ पर देखिए, इन एवरी विलेज, हर एक गांव में एडिक्वेट नंबर ऑफ मेजरमेंट लोकेशन, मतलब कि 2 से 3 ओपन वेल्स नीड टू बी सिलेक्टेड एज अ सैम्पल ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल, यानी कि हर एक गांव में 2 से 3 कुआ सिलेक्ट करना होगा, वो फिक्स रहेंगे। द सैम्पल हैज़ टू बी टेकन अप फ्रॉम द ओपन वेल रैदर देन ट्यूब और बोर वेल, यानी कि ओपन वेल यानी कि कुआ से ही लेना होगा, कोई भी ट्यूब वेल से पानी नहीं लिया जाएगा, सिर्फ कुआ से ही ओपन वेल यानी कुआ से ही पानी लेना होगा। जल्दूत हैव टू बी फैसिलिटेटेड टू एंटर मेजरमेंट डेटा ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल थ्रू मोबाइल ऐप ट्वाइस इन अ ईयर, यानी कि साल के 2 बार इनको मेजरमेंट करना होगा। पहला है प्री मानसून यानी कि बरसात से पहले, दूसरा है बरसात के बाद, यानी कि साल में 2 बार 2 से 3 कुआ का वाटर लेवल मेजरमेंट करना होगा। साथ ही उनको जियोटैग फोटो भी अपलोड करना होगा जल्दूत मोबाइल ऐप में। तो मेन काम ये है, 2 से 3 कुआ का पानी का स्तर चेक करना होगा साल के 2 बार, बरसात से पहले और बरसात से बाद, और साथ ही उनको जियोटैग फ़ोटो भी अपलोड करना होगा। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि इस सारे डेटा को लेके आप जीपीडीपी या फिर मनरेगा का एक्शन प्लान भी बना सकते हैं। ये ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान या फिर मनरेगा का एक्शन प्लान बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, उस हिसाब से एक्टिविटी आप ले सकते हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि वाटर लेवल मेजरमेंट क्राइटेरिया, क्या क्या पॉइंट हमें ध्यान में रखना होगा। पहला है कि फ्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यानी कि 2 से 3 कुआ का ही चयन करना होगा पर विलेज। दूसरा पॉइंट यह है कि वाटर लेवल मेजरमेंट एट पंचायत मेजरिंग स्टेशंस वेल शुड बी फिक्स्ड, यानी कि ये 2 से 3 को एकदम फिक्स रहेंगे, चेंज नहीं होगा। और उसके बाद आता है कि बेसिक डिटेल्स लाइक डेप्थ ऑफ वेल, यानी कि कुआ का गहराई कितना है, डायमीटर कितना है, उस कुएँ का एक्चुअल लोकेशन यानी कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब भी एक बार में लेना होगा और ये फिक्स्ड रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोसीड्योर रहने वाला है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पानी का स्तर मापने के लिए यहाँ पे स्टील टेप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आसानी के लिए आप रस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रस्सी के एक प्रांत में आप कुछ भारी भरकम वेट बांध के उसको नीचे ढकेल के उसको पानी का स्तर भी नाप सकते हैं, कितना फीट या फिर कितना मीटर नीचे गया ये भी नाप सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर हो सकता है। साथ ही स्टील टेप का भी यूज़ आप कर सकते हैं, अगर पानी का स्तर ज़्यादा ऊपर है तो स्टील टेप अच्छा रहेगा और आसानी होगी। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ द वेल विल बी टेकन अप ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल के 2 बार आपको मेजरमेंट लेना होगा, जैसा पहले भी मैंने बताया था, बरसात के पहले और बरसात के बाद दोनों टाइम आपको साल में मेजरमेंट लेना होगा। तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे डेटा जो आप जल्दूत ऐप के द्वारा अपलोड करेंगे वो एक ऑनलाइन वेबसाइट पे भी सारे डेटा को दिखेगा, और उस डेटा को मद्दे रखते हुए स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट उस हिसाब से स्कीम यानी कि एक्टिविटी प्लान भी कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ जो पॉइंट आपके सामने, जल्दूत ऐप के द्वारा जो डेटा आप अपलोड करेंगे वही डेटा यहाँ पे देखिए ग्राम मानचित्र वेबसाइट पर भी सारा डेटा दिखेगा, उस मैप पर भी सारे डेटा का इनपुट रहेगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि कैसे ये ऐप काम करता है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन करना होगा। जीआरएस को अपना मोबाइल या अपना नंबर ब्लॉक या फिर पंचायत लेवल ऑफिसर पोर्टल से, मतलब कि पीओ लॉगिन या फिर जीपी लॉगिन से आपका जीआरएस का जो मोबाइल नंबर है, साथ ही उनका नाम वगैरह सारा डिटेल्स यहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो लॉगिन पासवर्ड ये सब आपके मोबाइल पे एसएमएस द्वारा भेज दिया जाएगा, तो उस एसएमएस में आपका जो लॉगिन और पासवर्ड रहेगा, उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपको जल्दूत ऐप पे
लॉगिन करना होगा। और लॉगिन के बाद यहाँ पे स्टेप टू आप देख सकते हैं, जेएरएस को जो कुआ है उस कुएँ के पास जाना है और जाने के बाद वाटर लेवल को मेज़र करना है, साथ ही उसका फोटोग्राफ लेना है और साथ ही जो जियोटैग कोऑर्डिनेट्स है यानी कि लैटलोंग, ये अगर लोकेशन ऑन रहेगा तो ऑटोमेटिकली लोकेशन यहाँ पे लैटलोंग आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि पहली बार जिस लैटलोंग पे जियोटैग हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब वाटर लेवल मेजरमेंट होगा तो सेम जगह पर ही होना चाहिए, तभी लैटलोंग मैच होगा, नहीं तो फोटो सबमिट होने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे साथ ही एक और काम करना होगा, एक विटनेस का नाम भी यहाँ पे लेना होगा, यानी कि जो विलेजर्स होगा जो जिनके घर के पास वो कुआ है, ऐसे ही एक सिटीज़न का यहाँ पे नाम भी लेना होगा। यहाँ पे मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे जो कुआ है इस विलेज का नाम सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद देखिए ये सब डेटा आपको फिलअप करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल वन मतलब कि पहला कुआ है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुएँ का नाम आपको लिखना होगा, मतलब जिसका भी घर के पास का कुआ होगा आप लिख सकते हैं कि वेल नियर हाउस ऑफ ए, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे डेमो की तरफ से यहाँ पे देख सकते हैं कि रानी वेल लिखा हुआ है, उसके बाद लैंडमार्क, अगर उसके बाद कुएं के पास कोई भी चीज़ें जिसको लैंडमार्क के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई बड़ी सी पेड़ हो या फिर कोई स्कूल हो या फिर कोई कॉलेज हो या कुछ भी हो जिसको लैंडमार्क यूज़ कर सकते हैं उसका नाम दीजिए। उसके बाद वेल का डायमीटर कितना है, डेप्थ कितना है, लैट लॉन्ग यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही यहाँ पे कुएं का पिक्चर लेना होगा और साथ ही यहाँ पे देखिए जो मैंने कहा विटनेस का नाम और विटनेस का मोबाइल नंबर भी आपको लिखना होगा, यानी कि आप जब मेज़रमेंट कर रहे हैं उस समय अगर कोई गांव वाला अगर वहाँ पे खड़ा है तो उसको विटनेस के हिसाब से आप ले सकते हैं और उसका फ़ोन नंबर भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। और पहले वाले कुएं का मेज़रमेंट होने के बाद आपको स्टेप थ्री आप देख सकते हैं, यानी कि दूसरा कुएं के पास आपको जाना होगा और सेम तरीके से सारे डेटा को अपलोड करना होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है यहाँ पे देखिए स्टेप फोर में आप देख सकते हैं कि देखिए वाटर लेवल विल बी मेजर्ड फ्रॉम 1 मई टू 31 मई एज प्री सीजन, मतलब कि बरसात के पहले का जो मेज़रमेंट आपको करना है वो 1 मई से 31 मई के अंदर आपको करना है, और दूसरा जो मेज़रमेंट आपको करना है जो कि बरसात के बाद करना है वो 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आपको करना है। अभी देखिए फिफ्थ पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस मोबाइल ऐप विल वर्क इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, मतलब कि अगर आपका इंटरनेट नहीं है उस इलाके में तब भी आपका ऐप सक्सेसफुली काम करेगा, सक्सेसफुली डेटा सेव हो जाएगा। तो ये काफ़ी एडवांटेज है इस ऐप एप्लीकेशन को और ये काफ़ी हेल्पफुल भी होगा कहीं, क्योंकि हर जगह पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है खास करके गांव के इलाके में। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जलदूत ऐप से जो फोटोग्राफ या फिर डेटा अपलोड होगा वो यहाँ पे आप ऑनलाइन देख सकते हैं इस वेबसाइट पे, साथ ही सारे डेटा को आप यूटिलाइज़ करके आप अपना ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और मनरेगा का ऑफिशियल एक्शन प्लान आप बना सकते हैं साल के। और इसके आखिर में देखिए फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, यानी कि कई बार कोई क्वेश्चन आता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज़ जलदूत मोबाइल ऐप, ये मतलब जलदूत मोबाइल ऐप क्या है, हु कैन यूज़ जलदूत मोबाइल ऐप, कौन यूज़ कर सकता है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पे दिया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। और आगे के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जलदूत मोबाइल ऐप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं आप अपने मोबाइल पर और एक्चुअली में कैसे आप फील्ड पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।